अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन की सेवकाई में आपका स्वागत करते हैं। यहुन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका नवा वाक्य हमें यह बताता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली है। इस अनुग्रहित वाक्य से प्रभु हमें जो संदेश देता है वो ये है कि प्रभु का प्रकाश हम पर आने पाए। सत्य का प्रकाश जो हमारा मसीह खुद है उसकी रोशनी हमारे जीवन में आने पाए। यहुन्ना का सुसमाचार को देखें तो उनके लेख में मसीह की परिपूर्ण प्रभुता को उन्होंने अपने श्रोताओं के लिए कई उदाहरण देकर समझाया है। परमेश्वर ने सृष्टि के पहले दिन ही प्रकाश की सृष्टि की। प्रकाश के पहले सृष्टि का उद्देश्य क्या है, ये बात उत्पत्ति की ही किताब में उसके पहले अध्याय में ही चार बातों के द्वारा बताया गया है। उसमें से पहली बात यह है, प्रकाशित करो। प्रियजनों, आज के समय में जब दुनिया के प्रकाश को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और जब लोग दुनिया के अंधकार में रहकर उस उजियाले को पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में प्रभु ने अपने प्रकाश को हमारे जीवन में प्रकट किया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वचन सिखाता है कि टूटा नाला पूरा नष्ट नहीं किया जाएगा और थमती हुई लौ पूरी बुझाई नहीं जाएगी। हमारे बीते समयों को याद करें तो क्या हमारा जीवन उस बुझती हुई लौ के समान नहीं था, जिसके लिए ये कह दिया गया था कि तू अब नहीं जल सकता और तू बुझने ही वाला है और फिर धुआं हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब एक दीपक की लौ थम जाती है तो वो धूप और तेल नहीं खींच सकती। तब हम एक नई धूप उसमें डाल देते हैं और थमती हुई आग को वापस जला लेते हैं। उसी प्रकार वचन हमें बताता है, थमते हुए दिए को वो बुझने नहीं देगा। जब दुनिया ने हमारे लिए ये लिख दिया कि हम बुझ जाएंगे, तब परमेश्वर ने हमें प्रकाशित किया। इसी कारण से भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि प्रभु तू मेरे दिए को जलाए रखना। हो सकता है कि आपकी आज की अवस्था उस बुझते हुए दिए के समान हो, तो आप भी भजन संहिता लिखने वाले के समान प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे दिए को जलाए रखना, प्रभु तू मेरे बुझते हुए धूप को प्रकाशित करना। मेरी प्रार्थना यही है, आज के दिन प्रभु अपने वचन को भेजकर आपके बुझते हुए दिए की अवस्था में अपने सत्य प्रकाश को उदय करने पाए। अब हम जो प्रकाशित हुए हैं, प्रभु ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, ये कि उसके प्रकाश को हम फैलाने वाले बनने पाए। प्रभु अपने पहाड़ी उपदेशों में जो मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें वाक्य में है, बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें दुनिया के लिए प्रकाश बनना है। वचन कहता है, लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। प्रियजनों, लोगों के सामने हमारा प्रकाश चमकने के लिए प्रभु के सामने हमारे काम सीधे होने चाहिए। भजन संहिता उसके 72वें अध्याय के 20वें वाक्य में ऐसा लिखा है, यशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई। अगर यह भजन संहिता इस प्रकार से अंत होती है तो यह भजन संहिता किसके द्वारा लिखी होनी चाहिए? दाऊद के द्वारा। लेकिन अध्याय के शीर्षक में हम देखते हैं सुलेमान का एक भजन। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, यहां पिता की प्रार्थना उसके बेटे का भजन हो गई है। प्रियजनों, यही प्रकाशित करने का अर्थ है, हमारी प्रार्थना हमारे वंशों की प्रार्थना भी हो जाने पाए, हमारा जीवन हमारे समूह को प्रेरित करने वाला एक जीवन हो जाने पाए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम गर्व से कह सकते हैं कि मसीह के द्वारा मैं प्रकाशित हो गया।
आज के दिन में प्रभु अपना प्रकाश हमारे जीवन में भेजने पाए और उस प्रकाश को हम औरों में बांटने वाले बनने पाए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। जय मसीह की।